डब्ल्यू एच फैमिली यदि सेंटेंस के बीच में आ जाए भी कोई ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई पजेसिव हो तो उसके बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना। अगो का प्रयोग सिर्फ कहाँ होता है? पास्ट में। टेस्ट देख लीजिए। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, टोल्ड हिम क्लियरली, यहाँ जो अंडरलाइन किया है ना उसी पार्ट में गलती है, तो बहुत आसान काम है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे हैडन्ट ऑट टू डू, ठीक है। अब देखिए ऑट टू एक मॉडल्स है, उसके साथ नॉट हम खुद ही लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होगा ऑट नॉट, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, बिल्कुल ऑट नॉट हैव डन, पास्ट अपने आप हो जाएगा ये। हाँ, आई टोल्ड हिम क्लियरली दैट ही ऑट, तो ऑट नॉट आ तो गया, ऑट नॉट हैव टू डन हुआ भी यहाँ पे, एक मिनट एक मिनट, ऑट नॉट टू डू, तो ऑट नॉट टू बी डन यहाँ पे होना चाहिए। तो एक मिनट ध्यान दो, ही हैजंट ऑट टू डू, तो ऑट नॉट, इसको ऐसे कर लीजिए, ऑट नॉट टू डू, ऐसा कर लीजिए इसको, ऑट नॉट टू डन, ठीक है ना, ऑट नॉट टू, क्योंकि जो ऑट टू होता है, ऑट टू कनेक्ट क्या होता है, ऑट नॉट। क्वेश्चन नंबर टू में आ जाइए, यहाँ जो अंडरलाइन क्या होगा, हैव डिसेंडेड फ्रॉम थ्री डॉग्स दैट लिव्ड, साइंटिस्ट बिलीव दैट ऑल डोमेस्टिक डॉग्स, सारे पालतू कुत्ते ओरिजिनली हैव descended from three dogs, ठीक है, that lived in China over 1500 years ago। यहाँ देखिए अगो लगा है ना, तो अगो का प्रयोग 100% पास्ट में होता है, तो पास्ट यहाँ पे दिया हुआ है, नो इम्प्रूवमेंट। अगर वहां परफेक्ट होता, साइंटिस्ट बिलीव दैट ऑल डोमेस्टिक डॉग्स ओरिजिनली, हाँ देखिए आ तो गया गलती, थ्री ए दैट दैट, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, नो एरर, नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि अगो का प्रयोग सिर्फ कहाँ होता है? पास्ट में। तो दैट के बाद क्लाउज चेंज हो गया, ठीक है बेटा, आगे बढ़िए, थोड़ा सा टेंस पढ़ेंगे तो समझ में बेहतर आएगा। थ्री में आ जाइए, थ्री नंबर क्वेश्चन, ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लब वर असेंबल टू सेलिब्रेट द 15th एनिवर्सरी ऑफ द क्लब। अब यहां बताइए क्या होगा, ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लब वर असेंबल, अब यहां पे क्या है सेंटेंस, एक्टिव पैसिव पहचानना आपको, यहाँ पे ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लब यानी कि बात अभी हो रही है, वर के बाद भीतरी लगाया मतलब पैसिव आने का सेंस कर रहा है, जबकि सेंटेंस होना चाहिए एक्टिव, तो वर के स्थान पे हेड आना चाहिए, कहीं हेड है आंसर में? एक्टिव में सेंटेंस है, जबरदस्ती से बनाया गया पैसिव, गलत हो जाएगा, ये समझ में कम आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि टेंस और वॉइस नहीं पढ़ा है, तो टेंस और वॉइस नहीं पढ़ा है तो ये पैसिव वॉइस बना दिया, जबकि होना चाहिए एक्टिव वॉइस, ठीक है ना। अब राम इज डन तो नहीं ना होगा, राम इज डूइंग होगा, तो ही कॉर्डियली इंक्वायर्ड हाउ, क्वेश्चन कितना है जी, चार नंबर, तो कॉर्डियली इंक्वायर्ड हाउ वाज माय हेल्थ, तो होना चाहिए हाउ माय हेल्थ वाज, ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि हाउ माय हेल्थ वाज, जब आप बनाते हो किसी चीज को, तो हाउ माय हेल्थ वाज, मेरा स्वास्थ्य कैसा था, तो यहाँ पे हाउ जो काम कर रहा है वो कंजंक्शन का काम कर रहा है, और कंजंक्शन के बाद हमेशा क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। जैसे कोई पूछना कि ही टोल्ड मी व्हाट्स योर नेम, गलत सेंटेंस, ही टोल्ड मी व्हाट माय नेम वाज, डब्ल्यू एच, जैसे एक सेंटेंस में लिखूं ऐसे, देखो छोड़ो इसको, यहाँ पे दिमाग लगाओ, तुम लोगों को समझाता हूँ एक चीज, बहुत 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 मजा आएगा तुम लोगों को। एक लाइन लिखा, आई
डोंट नो, चलो चलो एक चीज लो, आई डोंट नो, ठीक है, व्हाट इज योर नेम, मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या नाम है, व्हाट इज, अब देखो ये सेंटेंस पता क्या है, गलत है, देखिए पढ़ने में कहीं गलत, अगर ये लाइन नहीं होता तो सही होता, अगर बस इतना रहता व्हाट इज योर नेम तो सही होता, लेकिन अब यहाँ पे व्हाट क्या है कंजंक्शन का काम कर रहा है, तो पता क्या बोलना पड़ेगा, आई डोंट नो व्हाट योर नेम इज, क्योंकि व्हाट कंजंक्शन के बाद हमेशा क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कंजंक्शन हमेशा जोड़ता है सेंटेंस को, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, है ना जुबा चीज, जैसे मैं बोलना चाहता हूं मुझे पता है तुम कहां रहते हो, आई नो वेयर डू यू लिव, गलत हो गया, वेयर डू लिव नहीं, वेयर यू लिव, वेयर यू लिव, ए अंग्रेजी का चमत्कार, ऐसे बोलना हो तुमको मुझे पता है तुम कहां रहते हो, आई नो वेयर यू लिव बोलना पड़ेगा, अगर बोल दोगे वेयर डू यू लिव तो क्या हो जाएगा, क्योंकि वेयर क्या काम कर रहा है, इसको चाहिए क्या सब्जेक्ट, मुद्दा ये है, तो ये सब चीज कहां समझ में आएगा, टेंस वॉइस में, इसलिए वर्ब चैप्टर के साथ टेंस का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। चार पांच देखो, मैनी या, दिमाग लगाइए समझ जाएगा आपसे, आसान क्वेश्चन है, हाँ मैनी या मैन है बिन, ये तो पढ़ाया हूं, मैनी प्लस ए आ जाए तो सिंगुलर, तो सिंगुलर तो है लेकिन है वो क्या प्लूरल, तो है जहां चाहिए, है कहाँ है, तो सी आंसर हो जाएगा, पांच का सी, कोई बात नहीं, एक दो बना ना, बहुत बहुत है जी, पांच का आंसर सी लगाया तुमने, नहीं तुम अब मफसर कहाँ है, अब बोलना पड़ेगा बनियान वाला, कॉमन एरर में आ जाइए, कॉमन एरर, डू नॉट गेट डाउन द बस टिल इट विल स्टॉप, बताइए कौन बताएगा, जो बताएगा मैं मान लूंगा कि उसको टेंस का ज्ञान है या मेरा यहाँ पढ़ा है पहले से, तुम तो पढ़ी हो लड़की, बी क्या गलती है बी में, तुम आर्टिकल पढ़ रही हो, एक चीज देखो तुम याद कर लो, देखो बोलता हूं उंगली पे गिन लो, टिल अंटिल अनलेस व्हेन व्हेनेवर व्हाटएवर एज लॉन्ग एज वेल एज इफ, जितने वर्ड आ जाए इन सारे शब्दों के साथ फ्यूचर कभी नहीं होता, फ्यूचर हमेशा प्रेजेंट टेंस होता है हमेशा, तो बोलो टिल आगे नहीं आ गया, तो टिल आ गया तो किसी भी कीमत पे विल सेल नहीं आएगा, तो हो जाएगा इट स्टॉप्स, वर्ब का मतलब होता है टेंस, आप टेंस देखिए यहां पे, टेंस देखिए वर्ब देखिए, आर्टिकल वार्टिकल मत चेक करिए, क्वेश्चन में दो देखिए क्या कहता है, बोलो एक दो कॉन्सेप्ट और आपको दे देता हूं समझिएगा उसको, कैन एनीवन इमेजिन मी टू बियर अ रेड और ब्लू टाई, देखिए दीजिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई पजेसिव हो तो उसके बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना, तो कौन इमेजिन मी वियरिंग अ रेड, वियरिंग अ रेड और ब्लू, ठीक है पहनते हुए, क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर बताइए, बहुत सुंदर, इफ हमेशा कल्पना को शो करता है इसलिए वाज नहीं वर आएगा, क्वेश्चन नंबर चार, क्वेश्चन नंबर चार कौन बताएगा आंसर, पढ़ा चुका हूं, कहां पढ़ाया हूं, प्रोनाउन चैप्टर में, हाँ आपको कहा था याद कर लो, ईच एवरी आइदर नाइदर, ये चार सब जहां भी दिखे भर हमेशा ईच ऑफ अस के बाद हैव की हैज, जैसे तो लॉलीपॉप था,
पांच नंबर जी, ये भी लॉलीपॉप है, हैव की जगह क्योंकि मैंने ए आ गया। छठा बताइए, बोलिए छठा। कल ही पढ़ा था कंडीशनल सेंटेंस। अब दो स्थिति है, अब इफ इट स्नोड है वी विल गो स्काइकिंग है। अब कहाँ पे चलूँ, यहाँ पे ऊड करूँ या यहाँ पे स्नो करूँ, स्नोज करूँ, बोलो। हाँ यहाँ पे क्या है, टुमारो है, यही तो दिमाग लगाया है उसने, यहाँ पे हर हाल में स्नोड नहीं होगा, स्नोज हो जाएगा। आप कह रहे थे बहुत बच्चे यहाँ पे उड़ कर रहे थे, टुमारो नहीं होता तो वहाँ पे यहाँ पे उड़ कर रहे थे हम, तो टुमारो का मतलब आने वाला कल, अगर स्नोड हो गया तो पिछले दिन की बात होता है, यहाँ पे स्टडी करना पड़ता। फिर कुछ कुछ दिमाग में घुस रहा है बालक, नहीं घुस रहा है, बोलो। बड़ा आसान पढ़ा रहा हूँ, टफ नहीं है, लेकिन मुद्दा देखो एक्चुअली क्या है, अभी तक तो इसमें कुछ आसान था, यहाँ तक भी आसान था, जो पढ़ाया था वहीं से था, ऊपर में कुछ टफ था, नीचे कुछ तो ठीक है। अब देखते हैं सातवां क्या कहता है, सातवां क्या कहता है। हैड यू इनफॉर्म्ड मी अर्लियर आई वुड हैव सर्टेनली, अब देखिए कल पढ़ा हुआ आ गया, आई वुड हैव प्लस वी थ्री, वुड हैव प्लस, तो वुड हैव वी थ्री क्या हो चाहिए, कंडीशन नंबर थ्री। यदि इफ लगा हुआ क्लास, तो इफ नहीं है सर, तो इफ की जगह पे हैड आ गया, हैड भी कंडीशन को शो करता है, हिंदी होता है काश, ये नया चीज मिल गया है ना, ये सब टेंस का है, सब टेंस का है। क्वेश्चन नंबर एट में आ जाइए, ही ड्रीड्स टेकिंग एग्जामिनेशन फॉर फियर ऑफ टू फेल, ऑफ के बाद हमेशा क्या आता है, आई एन जी आता है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आई एन जी आता है, तो इसलिए टू फेल की जगह हो जाएगा फेलिंग। पकड़ में आया कि नहीं सबको। नाइन नंबर देखिए क्या रह रहा है, डू यू माइंड, माइंड के बाद बोलो कौन सा, हमेशा आई एन जी, माइंड के बाद हमेशा आई एन जी आता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे कुछ वर्ड हमने लिखवाए नहीं लिखवाए, लिखवाया हो कहीं ना कहीं, या तो नहीं लिखवाया, जेरेंड में नहीं लिखवाया है, वही तो। अब वाइड के बाद आई एन जी आता है, माइंड के बाद आई एन जी आता है, लाइक के बाद, लव के बाद, और कहा था याद रहेगा तो बनेगा तो नहीं बनेगा, तो काटो ना उसको, कहाँ है, डू यू माइंड, यहाँ देखो सिंग, ठीक है। दस नंबर, माई फादर आस्क्ड मी वेयर, अभी पढ़ा हुआ जस्ट, अगर देखो चमत्कार, देखो चमत्कार, चमत्कार देखो बालक, वेयर क्या है और वेयर के बाद हमेशा क्या चाहिए, तो आई पहले हैड, देखा चमत्कार, अभी जस्ट मिल गया ना, तो डब्ल्यू एच फैमिली यदि सेंटेंस के बीच में आ जाए तो अपने बाद क्या लेता है, सब्जेक्ट लेता है, तब वर्ब लेता है, ये चमत्कार हो गया, देखो तुरंत, वेयर आई हैड न कि वेयर हैड आई। तो मुझे ये 10 क्वेश्चन अच्छा लगा,